हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, कंपनी हैं, गवर्नमेंट हैं, कहीं ना कहीं उनका पर्सनल पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें वो डिफरेंट टाइप्स के डिजिटल एसेट्स को होल्ड करते हैं। ऐसे में चलते आज की जो पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल करके आई है वो है बिटकॉइन विल हैव टू बी ए पार्ट ऑफ एनी पोर्टफोलियो ईएक्स प्रेसिडेंट ऑफ NYSE। सिंपल सा इनका मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जो ईएक्स प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में जितने भी पोर्टफोलियो डिजाइन किए जाते हैं उसमें यहां पर बिटकॉइन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं। आप लोग कितने परसेंट एग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में हैं तो आपने ऑलरेडी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट जरूर किया होगा और आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जो ये न्यूज इंडिकेट कर रही है वो इन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आज तक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं सुना है और वो लोग इन्वेस्टमेंट कहां पर करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, प्लॉट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, आयरन हो गया, कहीं भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो जो उनका पोर्टफोलियो डिजाइन होता है वो विदाउट क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो डिजाइन होता है। तो इसलिए ये न्यूज उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकती है जो लोग अलग अलग डिजिटल असेट्स को होल्ड करते हैं और उसमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं। मेरे हिसाब से हर एक पोर्टफोलियो में बिटकॉइन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, इसलिए आप लोग अपने टोटल जो अर्निंग करते हैं, जो टोटल आपका पोर्टफोलियो है, उसमें 5% 10% क्रिप्टो करेंसी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग कितने परसेंट एग्री करते हैं इस न्यूज से हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में बात करेंगे हैकर साहब का। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हुए हैं, टोकन्स हुए हैं, वेबसाइट्स हुई हैं, एप्लीकेशन हुए हैं जो रेगुलर बेसिस पर हैक किए जाते हैं और बहुत सारा पैसा चुराया जाता है। सो जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि हैकर्स स्टोल ऑलमोस्ट $2 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो इन जुलाई 2022। ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकल करके आ रही है कि जुलाई 2022 के महीने में जो क्रिप्टो करेंसी हैकिंग हुई है वो $2 बिलियन की हुई है। आप लोग खुद सोचिए कि $2 बिलियन नेटवर्थ बहुत बड़ी बात होती है और इतने की हैकर्स लोगों ने यहां पर चोरी कर लिया है। सो आप लोग खुद सोचिए कि मेरे हिसाब से आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन $2 बिलियन कभी नहीं हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि $2 बिलियन कमाने के लिए बहुत ज्यादा लाइफ में मेहनत करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी यहां पर हैकर्स बनना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। खैर, ये तो रही बात जोक की और हंसी मजाक में कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग खुद सोचिए, सीरियस मैटर ये है कि हैकर्स लोग कैसे हैक कर लेते हैं और $2 बिलियन की वर्थ क्रिप्टो यहां पर हैक कर लिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही सैड न्यूज है सभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी एक्सचेंजेज है, जितने भी वॉलेट्स हैं, उन सभी लोगों को सिक्योरिटी अपनी मजबूत रखनी चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बोलता रहता हूं कि पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी है वो आज नहीं तो कल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होंगी और पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट भी करेंगी। सो जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि सोनेवाज लग्जरी रिजॉर्ट्स नाउ एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि सोनेवास एक लग्जरी रिजॉर्ट है जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये मालदीव्स और यहां पर थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं थाईलैंड और मालदीव्स में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का मास एडॉप्शन भी चल रहा है।
जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी कंपनी, रिजॉर्ट्स, होटल, रेस्टोरेंट हो सकते हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है कोलंबिया की तरफ से। जी हाँ, कोलंबिया प्लान्स टू लॉन्च डिजिटल करेंसी टू रिड्यूस टैक्स इवेजन। आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपना सीबीडीसी लॉन्च करने की प्लानिंग में है। ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी भी सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है और उसका यहां पर कुछ मोटिव भी बनाया जा रहा है, कुछ यूज केस बनाया जा रहा है, कुछ यूटिलिटी बनाई जा रही है। सो जो कोलंबिया की सेंट्रल बैंक्स है वो यहां पर डिजिटल करेंसी प्लान तो कर रही है लॉन्च करने के लिए, लेकिन किस लिए? यहां पर रिड्यूस करेगा पूरी तरीके से टैक्स इवेजन को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स अनाउंसमेंट करेंगी बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज के साथ में, जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उसके बाद में बात करेंगे जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है हाउबी ग्लोबल की तरफ से। जी हाँ, हाउबी ग्लोबल सस्पेंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन न्यूजीलैंड। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हाउबी ग्लोबल एक्सचेंज एक पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, जिसके साथ में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से क्या किया है कि हाउबी ग्लोबल ने यहां पर न्यूजीलैंड में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया है। सो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है कि हाउबी ग्लोबल एक्सचेंज ने ट्रेडिंग शुरू किया, और हम आप सभी लोगों के साथ में न्यूज भी शेयर करेंगे। उसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है Coinbase की तरफ से। जी हाँ, Coinbase अमेरिका कंट्री का सबसे फेमस एक्सचेंज है और बहुत ही बड़ा भी है। तो Coinbase एक्सचेंज जो है विल ब्रीफली पॉज इथेरियम ERC20 टोकन डिपॉजिट एंड विड्रॉल ड्यूरिंग इथेरियम मर्ज। आप लोगों को पता है कि आने वाले सितंबर महीने में इथेरियम मर्ज अपडेट आनी है और डेट भी निकल करके आ चुकी है। सो Coinbase ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जब यहां पर इथेरियम का मर्ज होगा तो हम यहां पर कोई भी डिपॉजिट और कोई भी विड्रॉल नहीं करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका जो पर्सनल फैसला है, डिसीजन है, वो सभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हो सकते हैं अनाउंसमेंट कर दें कि विड्रॉल और डिपॉजिट बंद होने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, जब इथेरियम मर्ज की अपडेट आएगी मार्केट में। उसके बाद में बात करेंगे जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो सभी बेबी डॉज होल्डर्स के लिए है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बेबी डॉज क्वाइन के वीडियोस हमने 2-3 ऑलरेडी बनाए हैं, लेकिन आप लोग अकेन अगर यहां पर बेबी डॉज क्वाइन के वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो हम वीडियोस जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। न्यूज जो निकल करके आ रही वो ये है कि बेबी डॉज स्वैप टेस्ट नेट गोज लाइव प्राइस फेयर ग्रीन। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि बेबी डॉज जो क्रिप्टो करेंसी है उसका स्वैप टेस्ट नेट जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसकी वजह से बेबी डॉज क्रिप्टो करेंसी जो है उसके प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिला है और सभी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स को एक जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट भी मिला है। सो अगर आपने बेबी डॉज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है सो वो आपकी च्वाइस रहने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि मीम क्वाइन फ्लॉकी इनू announces its integration of Chainlink to improve its protocol. सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस चीज़ का, प्रोटोकॉल का, हर एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो मीम क्रिप्टो करेंसी हो, एवरेज कैटेगरी का क्वाइन हो, सिट क्वाइन हो, या फिर मीडियम कैटेगरी का क्वाइन हो, प्रोटोकॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए हर एक कैटेगरी के प्रोजेक्ट में। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि फ्लॉकी इनो जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी मीम क्रिप्टो करेंसी में आती है, इसने अनाउंसमेंट किया है कि इन्होंने पार्टनरशिप किया है Chainlink प्रोजेक्ट के साथ में। सो Chainlink प्रोजेक्ट एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अगर आप लोग अगेन वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्लॉकी इनू जो है वो यहां पर इंटीग्रेशन किया है, पार्टनरशिप किया है Chainlink के साथ में, और आने वाले टाइम में फ्लॉकी इनू भी यहां पर एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है।
अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। सबसे अच्छी न्यूज आपको कौन सी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर